28 और 29 पीर और मंगल की दरमियानी शब को रात को तकरीबन 2:30 से 3 बजे के दरमियान का वक्त था। साथ वो टेरिस तक पहुँचे, उसने मुझे खुद बताया कि मैं पुलिस में सोया हूँ और आपकी घर की सर्चिंग होनी है। मैंने ऑलरेडी मैं मेन गेट पर भी मैं देख चुका था कि काफ़ी सारे लोग दरवाज़ा टाप के अंदर दाखिल हो चुके हैं, पुलिस यूनिफॉर्म में वो लोग थे, बच्चे उन दो बच्चों को उन्होंने मेरी गाड़ी में उनको बिठाया और निकल आए। 2 साल का बेटा और 4 साल की बेटी। मेरा नहीं ख्याल कि मैं ज़िंदगी में 15 डायल करने के काबिल भी हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सियाब अहमद अब्बासी, औसाफ़ डिजिटल में आपको खुश आमदीद करते हैं। नाज़रीन, आपने औसाफ़ डिजिटल पे, ABN न्यूज़ पे या दूसरे न्यूज़ पे खबर देखी होगी कि 28 और 29 अगस्त की रात 6 लोगों को रावलपिंडी थाना सादकाबाद की हदूद से अगवा किया जाता है। आज औसाफ़ डिजिटल की स्क्रीन पे आप देखेंगे कि अगवा करने वाले लोगों का दायरा इख्तियार किस हद तक इस मुल्क में फैल गया है। दूसरी तरफ हम आपको ये बताएंगे कि इसके अंदर इंतज़ामिया का क्या किरदार था। 10 दिन 6 लोग जिनमें 2 खवातीन, 2 बच्चे और 2 मर्द शामिल थे, इनको एक घर के अंदर बंद रखा गया। और आखिर जब आप लोगों की मेहनत, आपने सोशल मीडिया पे आपने आवाज़ उठाई, फिर उसके बाद लोगों ने एहतजाज किया, मीडिया पे जब ये खबर आई तो मजबूर होकर इन लोगों को वहाँ से छोड़ दिया गया। इन्हीं लोगों में जिन लोगों को वहाँ पे अगवा किया गया था, एक फैमिली मेंबर मेरे साथ मौजूद हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि इसको पूरा जिस अंदाज के साथ ये जो इनके साथ किया गया, जिस तरह इनको अगवा किया गया, इनके घर में वो लोग आए, कैसे मुमकिन है कि इस्लामाबाद से चंद किलोमीटर के फासले पे एक घर के अंदर कुछ लोग आकर एक बंदे को नहीं पूरी फैमिली को अगवा कर लेते हैं। 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। मुझे वो वक्त याद आता है 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने खातून की आवाज़ पर, जब दीबल के मकाम पर राजा दायर ने कुछ लोगों को लूट लिया था, तो उस वक़्त एक खातून की आवाज़ पर मोहम्मद बिन कासिम कई किलोमीटर्स का सफ़र तय करने के बाद उस खातून को आके बाजियाब करता है। पर अफसोस की बात यह है कि जिन लोगों ने यह हरकत की है, जिनमें 2 खवातीन 2 बच्चे भी शामिल थे, अगवा किया गया, उसके बाद इंतज़ामिया टस से मस नहीं हुई। इस इंतज़ामिया का क्या किरदार है, इसके अंदर छुपी काली बेड़े, जिन्होंने इस पूरे घिनौने किरदार के अंदर, जिन्होंने औरतों को अगवा करवाने में, बच्चों को अगवा करवाने में जो किरदार अदा किया, मैं समझता हूं कि ऐसी काली बेड़ों को बेनकाब किया जाए। ये सिर्फ मामला इनको बाजियाब करवाने तक नहीं है या इनको छोड़ देने तक नहीं है, बल्कि इसकी इंक्वायरी ऐसी होनी चाहिए कि पाकिस्तान की तारीख के अंदर कोई किसी की माँ बेटी को कम से कम पुलिस की सरपरस्ती के अंदर ऐसे अगवा करके ना ले जाए। इन आज मेरे साथ ये मौजूद है, हारून नाम है इनका, ये भी उसी उन्हीं 6 लोगों में अगवा हुए थे। सबसे पहले तो मैं इनसे पूछता हूँ कि ये मामला शुरू कहाँ हुआ था, इनको अगवा कैसे किया गया। अरुण भाई, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया जो आपने औसाफ़ डिजिटल को टाइम दिया। मुझे ये बताएं कि बड़ा ही एक दर्दनाक मंजर होता है कि जब आपके सामने आपके 2 बच्चे हों, जब आपकी बीवी हो और स्पेशली आपकी भाभी आपके सामने हो, आपका भाई हो, तो मैं तो मुझे समझ नहीं आ रही मैं कैसे बयान करूँ। ये मामला हुआ आपके साथ, पेश कैसे आया और उस रात को आपके साथ ये क्या हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले मैं राजा मेहताब साहब का और ABN की बाकी तमाम टीम का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों की काविशों से और बाकी भी मेरे भाइयों की, मेरे दोस्तों की, तमाम लोगों जिन कोशिश से ये मुमकिन हुआ कि हम लोग वहाँ से बाजियाब हुए। 28 और 29 पीर और मंगल की दरमियानी शब को रात को तकरीबन 2:30 से 3 बजे के दरमियान का वक्त था, घर की बेल हुई तो मैं दरवाज़ा खोलने के लिए जो ही अपने रूम से बाहर निकला, मेरे रूम के बाहर 2 सिविल कपड़ों में लोग मौजूद थे और उन्होंने राइफ़ल्स उठाई हुई थी। मेरे उनको देख के यही लगा कि शायद ये कोई डाकू या चोर वगैरह हैं। मैंने उनमें से एक को लड़को अपने पुश किया थोड़ा, साथ वो टेरिस तक पहुँचे, उसने मुझे खुद बताया कि मैं पुलिस में सोया हूँ और आपकी घर की सर्चिंग होनी है। मैंने उससे पूछा कि आप घर से पुलिस में से हो तो आप घर के अंदर कैसे आ गए हो, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। इतने में गली से भी आवाज़ आई, मैंने गली में जब देखा तो पुलिस मोबाइल्स खड़ी थी और यूनिफॉर्म में और सिविल कपड़ों में काफ़ी ज़्यादा लोग मौजूद थे। उन्होंने मुझे नीचे से ही कहा कि आप दरवाज़ा खोलें, घर में सर्चिंग होगी। खैर, ऑलरेडी मैं मेन गेट पर भी मैं देख चुका था कि काफ़ी सारे लोग दरवाज़ा टाप के अंदर दाखिल हो चुके हैं। मैंने दरवाज़ा खोला, फिर मैंने उनसे यही मेरी गुफ्तगू हुई
कि आप किस तरह आप इस तरह घर में दाखिल हो सकते हैं। इतने में उन्होंने मुझे लेकर पुलिस मोबाइल में बाहर बैठा दिया। मैं अभी इसी कश्मकश में था, मैं समझ नहीं पा रहा था कि मुझे किस केस में लेके जा रहे हैं। मैं बार बार जो मेरे साथ लोग बैठे थे पुलिस यूनिफॉर्म में, वो लोग थे और जो वहाँ पे उनके कुछ लोग खड़े थे, उनसे बार बार ये पूछा था। वो बता रहे थे कि आपको बता दिया जाएगा कि किस जुर्म में आपको लेके जा रहे हैं। थोड़ी देर बाद वो मेरे घर से छोटा भाई जो सो रहा था साथ वाले रूम में, उसको वो लेके आ गए, उसको भी मेरे साथ बिठा दिया। और हम दोनों का ही मतलब उस ज़हनी कश्मकश में यही सवाल बार बार उनसे हो रहा था कि आपके भाई को भी बैठा लिया, आपको भी वैन के अंदर बैठा लिया, तो आपके घर के दो बच्चे थे, दो खवातीन थी, उनको उन तक ये कैसे पहुंचे? गेट से अंदर चले गए वो? जब मेन गेट तो मैं खुद खोल चुका था, इससे पहले तो वो लोग दाखिल हुए थे ना मेन गेट से, बाकी भी लोग घर के अंदर दाखिल हो गए। मीनवाइल उन्होंने हमें डॉक्यूमेंट कुछ भी नहीं दिया था, ना कोई वारंट, कोई ऐसी चीज़ हमें उन्होंने बताई नहीं थी, ना ही हमें इन्फॉर्म किया था किस वजह से आपको लेके जा रहे हैं। फिर थोड़ी बाद वो मेरी गाड़ी की जो चाबी लेकर और बाकी जो मेरी फैमिली की खवातीन थी, बच्चे उन दो बच्चों को, उन्होंने मेरी गाड़ी में उनको बिठाया और निकल आए। उसके बाद उन्होंने हमें किसी जगह पर ले गए, वहाँ पर जाके मुझे पूछा उन्होंने। ये रात का क्या टाइम हुआ होगा जब ये सारा वाक्या? ये तकरीबन 3 बजे का टाइम होगा। रात 3 बजे? जी, रात 3 बजे इस्लामी रियासत पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर पुलिस की वर्दी में छुपी काली बेड़ें घरों के अंदर दाखिल होती हैं, बच्चों को औरतों को ऐसे जरमाल बना के ले जाते हैं। एफआईआर कोई हुई थी आपके ऊपर? नहीं, मेरे पे कोई एफआईआर नहीं। पुलिस ने आपको पहले बताया था आपको जो कुछ हो रहा था? नहीं, पुलिस ने कुछ भी नहीं बताया। उन्होंने मुझे कहा, बार बार यही कहे थे हम आपको बता देंगे। मैं उनसे बार बार ये पूछ रहा था, मैं और मेरा भाई बार बार उनसे ये पूछे थे, बिल्कुल जब वो हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि वो फैमिली को इस तरह लेके जाएंगे। जब वो फैमिली को लेके जा रहे थे, हम इस पर भी हमने गाड़ी से उतरने की भी कोशिश की, लेकिन चूंकि वो तादाद में ज़्यादा थे तो ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं था। कोई लोग आए, मल्ले के लोग उस वक्त इकट्ठे हुए हों, किसी ने आपको छुड़वाने की कोशिश की हो, चीखो पकार हुई हो वहाँ पे उस टाइम पे? असल में रात का वो टाइम था कि वो शायद किसी को आवाज़ नहीं गई होगी मोहल्ले का, मैंने कोई बंदा वहाँ पे उस टाइम नहीं देखा था कि जो मौजूद हुआ हो, या अगर हुआ भी होगा तो क्योंकि पुलिस के जो यूनिफॉर्म में और नॉन यूनिफॉर्म में लोग काफ़ी ज़्यादा तादाद मौजूद थे, शायद किसी में हिम्मत भी ना हुई हो आगे आने की। अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्या इसके अंदर सारे पुलिस वाले ही थे या जिन लोगों ने आपको अगवा करवाया वो भी शामिल थे, उनकी गाड़ियाँ भी? वो भी डेफिनेटली वो भी शामिल थे, वो सिविल कपड़ों में मौजूद थे। और इसके बाद जब हम वहाँ से ले गए तो ये कुछ लोगों को हमारे घर के अंदर ही छोड़ गए थे। कुछ लोगों को आपके घर के अंदर छोड़ा गया? जी। एफआईआर नहीं हुई, आपको वहाँ से अगवा किया गया, और अगवा करने वाली भी पुलिस है? जी, पुलिस भी साथ ही थे उनके थे और सिविल लोग भी उनके साथ ही थे। इस दौरान क्या उन पर प्रेशर डेवलप हुआ, किस वजह से उनको खौफ आ गया जो आपको आगे छोड़ा गया? असल में शायद हमें तो इतना जो बैकएंड पे फैमिली की तरफ से, आप सब भाइयों की तरफ से जो चल रही थी चीज़ें, हमें उस पिक्चर का एग्जैक्ट पता नहीं था कि बैकग्राउंड पे हो क्या रहा, बैकग्राउंड पे हमें क्या हो रहा है। बात जी एहतजाज, और हमें इस चीज़ का बिल्कुल नॉलेज नहीं था। लेकिन आखिरी दिनों में कुछ शायद चेंजेस आ रही थी क्योंकि काम जल्दी जल्दी हो रहे थे। मैं उन 8-9 दिनों में इतना मजबूर हो चुका था कि मैंने आपको जैसे बताया कि वो कुछ भी लिखवाते मैं लिख देता। मैंने उन स्टाम्प पेपर्स को प्रॉपर पढ़ा भी नहीं है जो मैंने साइन किए हैं। मैंने, मेरे भाई ने साइन किया, हमने उसको उनको पढ़ा भी नहीं, पढ़ने भी नहीं दिया। हमने बिल्कुल, हम वहाँ से निकलना चाह रहे थे क्योंकि हम आपके ख्वातीन को देखते, वो बेचारी रो रो कर, वो उनके रो रही थी बस, वो उनके पास तो कोई चॉइस नहीं थी इसके अलावा। बच्चे सामने रो रहे हैं, वो मतलब वो तो मासूम, आपको पता है 2 साल का बेटा और 4 साल की बेटी, वो तो शायद उसको तो नहीं पता। अब हालात बाकी आप सब समझ सकते हैं बड़े। अब मुझे बताएं कि आपका मुतालबा क्या, आप क्या चाहते क्या है? सर, एक तो चीज़ ये है कि मैं ये चाह रहा हूँ कि अल्लाह ना करे कि मुस्तकबिल में कभी किसी को साथ ये चीज़ पेश आए। हम कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, हमें 2 नंबर याद होते हैं, 151122। अब मेरा नहीं ख्याल कि मैं ज़िंदगी में 15 डायल करने के काबिल भी हूँ, कि जिन्होंने हमारी हिफाजत करनी है अगर वही इस तरह का सलूक हमसे करेंगे तो हम किस तवक्को रखेंगे। मुझे अपनी
फैमिली की प्रोटेक्शन चाहिए कि फ्यूचर में कोई ऐसी चीज़ ना हो हमारे साथ। नहीं ऑब्वियसली ये चीज़ें तो ज़िंदगी के साथ हैं, अब मुझे नहीं पता मुस्तकबिल क्या है क्या नहीं है, लेकिन मैं इससे पहले तक मेरे पास मुझे नहीं याद कि मेरी कोई ट्रैफिक वायलेशन भी होगी, तो मुस्तकबिल में मुझे नहीं पता कि कोई मुकदमा या कोई चीज़ मेरे पर डाल दी जाए। मैं इससे एक मुझे प्रोटेक्शन चाहिए। दूसरा, मैं इस चीज़ को हल्फन बयान करता हूँ कि जिस ट्रांजैक्शन के बारे में वो फुलफ़िल करने के कह रहे थे, मेरा, मेरे भाई का, मेरे किसी फैमिली का मेंबर का उस ट्रांजैक्शन से कोई दूर तक ताल्लुक़ नहीं है किसी किस्म का, ना ही मैं उन लोगों को जानता हूँ जिन्होंने ये काम करवाया। में आपको अगवा किया गया, पुलिस ने अगवा करके आपको दिया उनको, जो मतलब वो बिजनेस पार्टनर्स का इनका जो था, मुझे उनसे उनको कभी नहीं, मैं अपने कजन को जानता हूँ। सीपीओ ने क्या किया? सीपीओ पार्टी बन के काम कर रहा था। ये मुझे आके पता चला कि मेरे चाचा करवा रहे थे बैठ के। चाचा जब उनके पास गए तो उन्होंने बताया कि ये जो जिस घर में हम रह रहे हैं ये उसी बिजनेस के पैसों से खरीदा गया है। हालांकि ये हमारा घर जो है वो 91 में मेरे फादर ने परचेज किया था। मेरे फादर खुद एक्स आर्मी में रहे, मस्कत आर्मी में भी रहे, पाकिस्तान आर्मी में भी उन्होंने सर्व किया। और 91 में ये परचेज था, जब जिसके साथ हमारे जो कज़न शरिया है उसकी पैदाइश से भी पहले का मकान परचेज हुआ हुआ है, तो उसी मकान का वो मुतालबा कर रहे थे, उसी मकान का और हमारी प्रॉपर्टी का वो मुतालबा कर रहे थे। और लेकिन मैं फिर आपको कह रहा हूँ, अगर शायद वो मेरे नाम होती मैं उनको ट्रांसफ़र कर, मैं बिल्कुल ट्रांसफ़र कर देता। मैं वो उनको बच्चों से आगे कुछ भी नहीं है, मैं अपनी लाइफ पर मैं आपको कह रहा हूँ, मैं फिर मैं ये चीज़ बर्दाश्त कर सकता, लेकिन वो बच्चों का जो है ना वो नहीं बर्दाश्त होता। नाज़रीन, ये हारून साहब हैं उसी फैमिली के अंदर शामिल थे, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। बात यहाँ पे अगवा की नहीं है कि अगवा आए दिन रोज़ लोग होते रहते हैं, लेकिन जब सरकार की सरपरस्ती में लोगों को अगवा किया जाए तो फिर आप ही बताएं कि लोगों का एतबार किस पे रहेगा। मैं समझता हूँ कि आप लोग पाकिस्तान को बुरा कहते हैं, पाकिस्तान हरगिज़ बुरा नहीं है। पाकिस्तान अल्लाह के नूरों का नूर से एक नूर है। पाकिस्तान बुरा नहीं है, बुरे हैं वो अफिसर, वो लोग, वो छुपी काली बेड़े जिन्होंने पुलिस की वर्दी के अंदर इस तरह के पहन के इस तरह के घिनौने काम करते हैं जिससे वो पाकिस्तान को बदनाम करते हैं। असम मनीर साहब, आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, हम ये कहते हैं कि ये दब्बा किसी और पे नहीं, इस मुल्क के झंडे के ऊपर ऐसे दब्बे लगते हैं जब ऐसे ऑफिसर्स इस तरह की हरकतें करते हैं। पाकिस्तान ने हमेशा रहना है और इसका नाम हमेशा चमकता रहेगा और इंशाल्लाह ये पाकिस्तान पूरी दुनिया को लीड भी करेगा, हमारे इस पर ईमान है। लेकिन खुदारा ये जो वाकया हुआ ये बिल्कुल रावलपिंडी का वाकया है। इस्लामाबाद जो दारुल खिलाफा है पाकिस्तान का, इसके चंद किलोमीटर के फासले पर ये वाकया हुआ है। अगर आप इसी की शफाफ तहकीकात करवा दें कि आइंदा कोई भी ऑफिसर अपनी मुदलियत के अंदर या अपनी जेर सरपरस्ती किसी की माँ बेटी के घर में दाखिल होकर इस तरह अगवा न करे, तो मैं कहता हूँ कि अगर इसकी तहकीकात हो जाए तो आने वाले दिनों के अंदर मुल्क पाकिस्तान के अंदर किसी ऑफिसर की जुरत नहीं होगी कि वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करे और इस तरह मजबूर लोगों को अगवा करके उसके बाद उनकी डीलिंग करवाए या ऐसे लोगों की सरपरस्ती या उनको सपोर्ट किया जाए जो इस तरह बेगना लोगों को अगवा करते और उसके बाद अगवा बराए तावान के नाम से पैसे मांगे जाते हैं। इसी के साथ ओसाफ डिजिटल में, और मैं एक चीज़ आखिर में ये ज़रूर कहूँगा कि ABN ओसाफ डिजिटल हमेशा से मजलूमों के साथ खड़ा है, खड़ा रहेगा और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में भी इसी तरह ही काम करता रहेगा। ओसाफ डिजिटल के ओसाफ के बानी, ओसाफ ग्रुप के बानी राजा महताब साहब का मैं खुद जानता हूँ कि उन्होंने जो मुतासरा फैमिली थी इनके साथ मिलकर जो राजा परवेज अशरफ साहब थे उनके साथ ये मीटिंग करवाई, फिर जहाँ जहाँ तक उनकी अप्रोच थी उन्होंने इनके साथ स्टैंड लिया, फिर डिजिटल मीडिया पे, फिर आपके कैमरा मैन तक हर बंदे को उन्होंने एक्टिव रखा, इसमें उन्होंने बहुत अहम रोल अदा किया। तो हमारी कोशिश यही होती है कि जो भी लोग, जो भी मजलूम हैं उनकी हम आवाज़ बने, और आप लोगों से यही दुआ करूँगा और आप लोगों से यही कहूँगा कि मुल्क पाकिस्तान को बदनाम ना करें, पाकिस्तान को ख़राब मत करें, बल्कि ऐसे लोगों को, ऐसे जो घिनौने काम करते हैं उनको ज़रूर सामने लाएं और ओसाफ डिजिटल पाकिस्तान को साफ करने के लिए ऐसे घिनौने किरदारों को हमेशा से सामने लाता रहेगा। इसी के साथ सियाब अहमद अब्बासी को दीजिए इजाज़त।
अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।